कारण बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो। भारत राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नामदार एकनाथराव शिंदे साहेबांचा विजय असो। हिंदी में बात करता हूं, मतलब ऋतु बहन को समझ में आएगा, मराठी अभी आएगा। आज खूप आनंदाचा दिवस आहे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि ऋतुबेन बनावत ये निर्दलीय विधानसभा चुनाव में भारी मतों से उनकी विजयी हो गई। लगभग 1,06,000 वोट उनको मिले और उनकी जीत हो गई। आज उन्होंने शिवसेना में प्रवेश लिया है, शिवसेना को समर्थन दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा एक ही है और उन्होंने भी अपना जीवन कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया और लोगों की सेवा की, इसलिए निर्दलीय होकर भी 1,06,000 वोट पाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद उन्होंने सही पार्टी का चयन किया है, जो हमारे बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम इस महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं, जो सभी के सुख दुख में सभी जाति पाति को न्याय देते हुए आगे बढ़ रहे थे। और शिवसेना ऐसी पार्टी है जो 80% समाजकारण, 20% राजकारण, मतलब समाजनीति और राजनीति, और ये ऐसे ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ग्रास रूट में काम करने वाली पार्टी है। और मैं भी ग्रास रूट में काम करते करते यहाँ तक मुख्यमंत्री बन गया हूँ, और इसलिए मुझे सभी का दुख दर्द जानता भी हूँ, समझता भी हूँ और लोगों को न्याय देने का काम भी करता हूँ। इसलिए पिछले 1.5 साल में आज हमारे सरकार में महायुति की सरकार, शिवसेना भाजपा गठबंधन, बाद में हमारे अजीत पवार आ गए, ये महायुति की सरकार में 1.5 साल में ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए है जो किसान हो, कामगार हो, महिलाएं हो, युवा हो, ज्येष्ठ हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए निर्णय लेने वाली हमारी सरकार है। आरोग्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर, देश में एक नंबर का ये राज्य है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा शुरू है। और इसलिए ये विकास करने वाली सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पर और विचारधारा के मुद्दे पर हमने सरकार का गठन किया। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में हमारी सरकार बहुत ही लोगों में लोकाभिमुख भी हो गई, लोकप्रिय भी हो गई, और इसलिए आज हमारे साथ 50 विधायक और 13 सांसद, अभी ये सांसद इधर बाजू में बैठे हैं, और हजारों जो लोक प्रतिनिधि है, जिला परिषद, पंचायत समिति, पार्षद, लाखों कार्यकर्ता साथ में जुड़ रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा ऋतुबेन आपको, जब हमारी पार्टी गठित हो गई तब कितने राज्य के लोग आए थे कैप्टन अपने साथ? 23 राज्य में जो शिवसेना पार्टी थी उन्होंने भी हमारे साथ में समर्थन दे दिया, हमारे साथ में हो गए। और मुझे याद है जब मणिपुर में, जब वो वहां पर बड़ा संघर्ष चला, वहां पर तब कई बच्चे फंसे हुए थे हमारे महाराष्ट्र के, और मणिपुर के राज्य प्रमुख को हमने कहा इनको वहां से सही
जगह पर लाकर रखना है। केवल एक घंटे के भीतर हमारा राज्य प्रमुख वहां पहुंचा और सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले आया। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सभी जगह पर हमारी पार्टी काम कर रही है। राजस्थान में तो मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र में बहुत लोग आए राजस्थान के, और राजस्थान जैसे महाराणा प्रताप, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दोनों विचारधारा एक ही विचारधारा के महान व्यक्तिमत्व थे, महापुरुष थे। और इसलिए मैं आपने जो हमारा काम, हमारी विचारधारा से आपने सहमत होकर आज शिवसेना को समर्थन दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से आपके चुनाव क्षेत्र में, अभी तो आपने कहा हमारा दुर्गम क्षेत्र है, तो वहां पर एम्बुलेंस होगी तो बहुत काफी अच्छी बात होती है। इसलिए मैं तुरंत मेरे आदमी को कह के 5 एम्बुलेंस आपके चुनाव क्षेत्र में काम करेगी। आगे भी आरोग्य के दृष्टि से जो भी और काम करना है, विकास के दृष्टि से जो काम करना है, निश्चित रूप से आगे काम होता रहेगा। और आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद दूंगा।